नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मैं आपके साथ नाजिया। शनिवार को दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र के शाहीन बाग में AIMIM के बैनर तले मोहम्मद आरिफ सैफी के द्वारा एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नसीम सिद्दीकी को बुलाया गया। इस कार्यक्रम में हालत हाजरा मिशन 2020 चलाया गया, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ मुहिम उठाई गई। जैसे मॉब लिंचिंग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसे लेकर सभी व्यक्तियों में आक्रोश दिखाई दिया, खासकर तबरेज अंसारी के साथ जो हुआ उसे लेकर। इस कार्यक्रम के द्वारा मंच के माध्यम से AIMIM के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी सरकार पर जमकर हमला बोला और ओखला में उनकी नाकामियों को गिनवाया। जो आपके द्वारा यहाँ पे जनसभा की गई है, किस मकसद से और क्या संदर्भ रहा है आपका जनसभा करने का? देखिए, मकसद सीधा सीधा साफ है, जो आज के देश के हालात हैं उनको लोगों तक रूबरू कराना, क्योंकि बहुत से लोग और ख़ास तौर से मुसलमान जो हमारे ये कौम है वो इतनी पाशमानंदगी पे छोड़ दिया, उन्हें न्यूज़ और टीवी देखने का भी वक्त नहीं है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी कौम के लोगों पे कहाँ क्या जुल्म हो रहा है, उसे रूबरू करवाने के लिए ये जलसा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये जलसा जो रखने का मकसद था हमारा, देखिए आने वाले जो वक्त है वो तो यहाँ विधानसभा चुनाव होने रहे जी 2020 में फरवरी में है, तो हमारी पार्टी उस चुनाव में हिस्सा लेगी और हम इंशाल्लाह कैंडिडेट भी यहाँ उतारेंगे, और जो देश की हालात है उस दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हुए, जेहन में रखते हुए हम लोगों ने इस जलसे को रखा, और भारी तादाद में लोग यहाँ आप देखे भी कि इस जलसे को शिरकत किए, लोग सुनने को आए खास तौर से,